भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे थे और मनोहर जी भी 9 साल रह लिए, दोनों में से किसका कामकाज पसंद आया? आप तो मनोहर लाल खट्टर का बढ़िया पसंद है, पसंद है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं मनोहर के 9 साल कैसे रहे। सर नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, उनके 9 साल पूरे हो गए और कहा जाता है कि रोजगार बढ़ रहा है, कोई घूस नहीं देना पड़ता, कोई पर्ची खर्ची नहीं चलती, सरकारी नौकरियां भी दी जा रही हैं और जो लोग प्राइवेट कंपनी में काम करना चाहते हैं वो वहां भी कर सकते हैं स्किल सीखकर। तो सरकार की ये दावे ठीक हैं? देखिए माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को सरकार को 9.5 साल हो गए हैं और 9.5 साल होने के बाद माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में बिना खर्ची बिना पर्ची के रोजगार मिला है, सिर्फ काबिलियत के दम पर लोगों को रोजगार मिल रहा है। इससे पहले जो विपक्ष के लोग हुआ कहते थे उनके जब हम नौकरी मांगने जाते थे तो या कहते थे या तो आपके पास पैसा होना चाहिए या तो आपके पास बड़ी सिफारिश होनी चाहिए। तो ना अब ये बताइए जिनके पास सिफारिश भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, सिर्फ काबिलियत के दम पर उनको रोजगार वो नहीं देते थे, कहते थे या तो आप पैसा लाइए या तो आप सिफारिश लाइए, किसी बड़े का, किसी मंत्री का, मुख्यमंत्री का सिफारिश लाइए तब आपको रोजगार देते हैं। मनोहर लाल जी की सरकार ने इस चीज़ को ख़त्म किया है। मनोहर लाल जी की सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची का सिर्फ काबिलियत के दम पर युवाओं को रोजगार दिया, प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिया है। लेकिन कांग्रेस कहती है कि बेरोजगारी बढ़ गई है और हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, ये बात ठीक लगती है आपको या गलत लगती है? देखिए कांग्रेस पार्टी जो है वो 70 सालों से है इस देश के अंदर और 70 सालों से वो देश को लूटने का और देश के युवाओं से झूठ बोलने का काम करते आ रही है। अब मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस के 3 गुट हैं, शैलजा जी का, हुड्डा जी का और आपके प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी का। भाई साहब ये जब 3 आपस में गुट हैं, इनके कार्यकर्ता इनसे संतुष्ट नहीं है, एक दूसरे से गुस्ते रहते हैं, ये रोजगार के मामले में तो फेल हैं। आप रोजगार करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करता हूँ। अच्छा, काम करते हैं? हाँ मैं बिल्कुल करता हूँ। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने बहुत अच्छा रोजगार है, हम जैसे युवा तो प्रसन्न है कि हमें रोजगार मिलता है। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर? ललित त्यागी। सरकार कहती है कि मुद्रा योजना है, लोन लेकर अपना बिजनेस खड़ा कर लो, फैक्ट्री खोलो, खुद भी रोजगार करो, सबको रोजगार दो, तो सरकार का ये कदम ठीक है? बहुत अच्छा कदम है। सच में लोन मिल रहा है युवाओं? बिल्कुल मिलता है जी, 3 तरह का लोन होता है, शिशु लोन, मुद्रा लोन और इसमें जैसा भी रोजगार हो, मतलब छोटा करना हो बड़ा करना हो। पहले क्या बैंक में चक्कर काटने पड़ते थे, लोन नहीं मिलता था क्योंकि वो पैसे कमीशन मांगते 25-25%, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, कमीशन खोरी खत्म हो गई, सब खत्म हो गई, इनकम टैक्स में खत्म हो गई है। बिना घूस के नौकरी मिल रही है? मिल रही है जी बिल्कुल, बिना घूस के, ग्रुप डी में इंटरव्यू खत्म हो गया है। लोग कहते हैं कांग्रेस वाले की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कहीं नहीं बढ़ रही जी, हम आईटी सेक्टर से हम लोग काम करते हैं, पहले बैंकों में लोग जाना पड़ता था, अब किसी बैंक में जाने की जरूरत नहीं, बाहर ही लोग कंप्यूटर वाले बैठे वही बैंकिंग सेवाएं दे रहे हैं। फरीदाबाद में इंडस्ट्रीज आ रही है कि नहीं? बिल्कुल आ रही है सर। कितनी आ गई होंगी सर? इतना मैं बता नहीं सकता। 2014 की तुलना में अभी ज्यादा है या कम है? ज्यादा है, इंडस्ट्रीज आ रही है। बिल्कुल ज्यादा, एक हमारे मित्र हैं। हाँ भाई, फरीदाबाद में इंडस्ट्रीज आ रही है कि नहीं? है नहीं आ रही है सर, रोजगार भी लोग 2014 से ज्यादा है या कम? बिल्कुल ज्यादा है सर, लोग बाग को अपनी काबिलियत के दम पे रोजगार मिल रहा है और अगर कोई मतलब कि ना ये कहे कि भाई मेरे को तो ये चाहिए, हाई फाई नौकरी चाहिए, तो सर उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। काबिलियत के दम पे रोजगार बिल्कुल मिल रहा है सर, मैं एक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता हूँ, मेरे को तो कोई आपत्ति नहीं है सर सरकार से मेरे को। कांग्रेस कहती है कि बेरोजगारी बढ़ गई, किसी के पास रोजगार नहीं, सब बेरोजगार हैं। सर ये तो मैं इस बात को तो मैं उनकी नकारता हूँ, ऐसा नहीं है, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आपको नौकरी मिल रही है सर। भाई साहब रोजगार बढ़ रहा है या घट रहा है? रोजगार बढ़ रहा है, युवा पीढ़ी कहती बेरोजगारी। कांग्रेस नंबर 1 मक्कार और झूठी सरकार है। कांग्रेस का ऐसा आरोप है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है? बिल्कुल नहीं बढ़ रहा, हर नवा युवा पीढ़ियों को अपना व्यापार बढ़ रहा, अपना काम कर रहे हैं, नौकरी मिल रही है, ऑनलाइन घर बैठे 1-1 लाख रुपया लड़कियां कमा रही हैं। कौन कहता है, कहाँ का बेवकूफ कहता है? सरकार दावे करती है हम रिक्शे वाले, रेहड़ी वाले, ठेली वाले को भी 10,000 रुपये आगे तक का लोन देते हैं ताकि वो रोजगार कर सके, ये ठीक बात है? पहले 10,000 रुपये लीजिए, उसको पहले उसको सरकार को दीजिए, फिर अगला लीजिए। जो 10,000 रुपये लोन दिए जाते हैं इससे भला हो रहा है लोगों का? नहीं भला कैसे नहीं होगा, 1 रुपये से भला होगा, तो धंधा शुरू कर रहे हैं, काम धंधा डेवलपमेंट में देखो जी, हमारे कृष्ण पाल मंत्री जी ने कितनी रेहड़ी लगवा दी जी, रोजगार रोजगार चल रहा कृष्ण पाल मंत्री जी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के काम काज के बारे में क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जैसे तो बढ़िया आदमी ना जी, सबसे बढ़िया आदमी मुख्यमंत्री, ईमानदार सच्चे आदमी, कोई भी चलो जाओ आए थे मिले। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे थे और मनोहर जी भी 9 साल रह लिए, दोनों में से किसका कामकाज पसंद आया? आप तो मनोहर लाल खट्टर का बढ़िया पसंद है, पसंद है।